We are on question number 13 of the exercise of overhead chapter. The following information relating to the production operation of Nalanda fabrication for 2016 at standard capacity have been collected as follows. Pehla direct labor de diya, machining ka, assembly ka, phir floor area de diya. तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे दी, मैं इसको बाजू में लिख लेता हूं क्योंकि ये मशीन ओवरहेड रेट तो नहीं है, डायरेक्ट लेबर का खर्चा दे दिया, मशीन का असेंबली का, ये 1,00,000 रुपया था, ये 50,000 रुपया बोले तो 0.5 लाख रुपीज है। फिर फ्लोर एरिया, इसका 60% है, इसका 30% है, और तीसरा ऑफिस और आ गया, ऑफिस हेल्पिंग होगा ना 10%। फिर आ गया है फैक्ट्री ओवरहेड ट्रेसेबल टू दिस डिपार्टमेंट। अच्छा ये कौन सा ओवरहेड बोल दिया, फैक्ट्री ओवरहेड बोल दिया, इसका 92,000 बोल दिया, अभी रफली समझ लें जस्ट 53,000 हो गया, 41,000 हो गया फैक्ट्री ओवरहेड, ये था जो ट्रेसेबल है, क्या है भैया? फिर फैक्ट्री ओवरहेड नॉन ट्रेसेबल, उसका बंटवारा नहीं करके दिया, वो कितना दिया भैया? नॉन ट्रेसेबल टू द डिपार्टमेंट मीन्स बंटवारा नहीं है इसका, वो कितना रुपया है भैया? 10,000 रुपया। ये किस चीज का है भैया? रेंट का। तो किस रेशियो में बंटना चाहिए? एरिया में बांट दो दोस्तों, 10,000 को एरिया के रेशियो में बांट दो, 6,000, 3,000, 1,000, तो फैक्ट्री ओवरहेड का बंटवारा सारा हो गया। फिर आगे कहता है इट हैव बीन डिसाइडेड एट द फैक्ट्री ओवरहेड विच इज अ सर्विस डिपार्टमेंट। अच्छा फैक्ट्री ऑफिस हेल्पिंग डिपार्टमेंट है ना, सर्विस डिपार्टमेंट कैन बी इक्विटली पोर्शन टू द अदर डिपार्टमेंट ऑन अ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, कैन बी इक्विटेबल पोर्शन टू द अदर डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। बोर्ड पे देखना, टोटल ओवरहेड आ गया इसका 98,000, इसका आ गया 56,000, इसका आ गया 5,000, ये हेल्पिंग डिपार्टमेंट है, इसका खर्चा इन दोनों में 42,000 आ गया। इसका जब ये हेल्पिंग जो डिपार्टमेंट है इसका खर्चा इन दोनों में बटेगा, उसने कहा ऑफिस ओवरहेड कितना था वो किस रेशियो में बांटना है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1,00,000.5 बोले तो 2:1 में बांट लू ना, तो 28,000 और 14,000, क्या ये समझ में आया? अब मेरा मशीन का कितना खर्चा आ गया टोटल, 8, 2, 16, 9, 10, 2, 12, 1,26,000 और 70,000। फिर आगे कहता है मशीन डिपार्टमेंट ऑपरेट करती है, ध्यान से देखना, ये तो वर्किंग में ही क्वेश्चन हो गया लगता है, मैं इसकी टेबल ही बना दी ताकि ये फाइनल हो ही जाए। अब कहता है मशीन डिपार्टमेंट में कितने आवर्स हैं, बोला मशीन डिपार्टमेंट 40 आवर्स एक वीक में चलता है, 5 मशीनें एंड एवरी मशीन हैज रिमेन आइडियल फॉर, अच्छा बोर्ड पे आओ, एक हफ्ते में कितने घंटे हैं, कितने, 5 मशीनें, तो एक हफ्ते में कितना चला घंटे वो आ गया, एक साल में कितने हफ्ते होते हैं, तो 52 से मल्टीप्लाई करूं टोटल आवर्स आ जाएंगे, टोटल आवर्स इतने हैं, मैं इसी से डिवाइड कर लेता, कोई कैलकुलेट करके बता दो, 10,000 ये खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड है तो सबका होगा, ऐसा एक का नहीं है ना, 10,400, हाँ वो कोई बात नहीं। फिर कहता है एंड एवरी मशीन रिमेन द आइडियल, अच्छा ये बताओ मुझे ये टोटल और एक मशीन के हैं, सबके हैं, सो मैं ये खर्चा भी सबका है, इसके इससे डिवाइड करो तो ओवरहेड रेट आ जाएगा, लेकिन इसमें आइडियल टाइम है दैट इज नॉर्मल लॉस, उसे मैं घटा दूं ना, एक मशीन का कितना है 280 घंटे इंटू 5 मशीन का, 5 मशीनों का चल रहा है ना, 1,400 घंटे इसमें से घटा दो तो मेरे टोटल प्रोडक्टिव आवर्स बता दो, 1,26,000 डिवाइड बाय ये 1,26,000 का खर्चा 9,000 में बटेगा तो मशीन ओवरहेड रेट पर आवर आ जाएगा, आ गया मेरे दोस्तों। फिर आगे चलते हैं, कैलकुलेटर द ओवर आउट एब्जॉर्प्शन रेट ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर फॉर द मशीन डिपार्टमेंट, एंड भैया इसका तो ये तो अभी मशीन डिपार्टमेंट का किया, असेंबली में तो मशीन पे बेस नहीं होगा, पर वो आखिरी लाइन में उसमें कुछ करा होगा। कहता है एंड ओवर हेड एब्जॉर्प्शन रेट
फॉर असेंबली डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज लेनी है? लेबर कॉस्ट. बोर्ड पे आना, इसकी लेबर कॉस्ट देखना 50,000 थी ना. सो इसका ओवरहेड रेट कैसे निकालूंगा? देखो भैया, मेरा ओवरहेड आ रहा 70,000 रुपए का, जब लेबर 50,000 की थी, इंटू 100 कर लूं, 140%. क्या ये समझ में आया? पक्का आ गया? आ गया ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल ओवरहेड वो तो दे रखा बच्चे. फैक्ट्री ओवरहेड ट्रेसेबल टू द डिपार्टमेंट 92,000. इधर देख, बोर्ड में देख, 92 और ये तो दे रखा है, ये अनट्रेसेबल था, रेशियो में बांट लिया, जोड़ के आ गया टोटल. हाँ हाँ, चलूं अब आगे. कम टू द 14th. बोलो भैया 14th. हम देखते हाँ, कोई बात नहीं, हम देख. हाँ नोट कर लेना, एक और करा दो, फिर नोट कर लेना. 14 भी देख लो, फिर इकट्ठे नोट कर लेना. 14 देखो, लेट 2010 में कंपनी सेटअप है, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कहते हैं, पुराना रेट हमने निकाला और वो था 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. बोर्ड पे देखना, ओल्ड ओवरहेड रेट हमने निकाला, दैट था, पुराना था, 84% ऑफ लेबर कॉस्ट. यही बोला ना. फिर उसने कहा, अब सारी चीज कहता है, फैक्ट्री ओवरहेड बताओ कितना था, 75,600. लेबर आवर्स कितने काम करते थे, 60,000 घंटे. लेबर रेट कितना था, 1.5 रुपीस पर आवर. बोर्ड पे देखना, इतने आवर्स 60,000 घंटे काम करते थे, इतने रेट था, तो लेबर कॉस्ट निकाल लो, 90,000 रुपया. फिर आगे चले, 90,000 ही उसने लिख के भी दी, कहते पुराना तो यही था. अब जरा एक बार ध्यान से देखना, लेबर कॉस्ट वेरियस के बेसिस पे मेरे को ओवरहेड रेट निकालना है, तो 75,600 डिवाइड बाय 90,000 इंटू 100 करके देखो, 84% आना चाहिए. ठीक है, तो पुराना मेथड इसने जैसे निकाला वो समझ में आया. अब इसने कहता है अर्ली 2011 में, 2011 में क्या हुआ, कहता है मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन वॉज चेंज, द न्यू ऑपरेशन रिक्वायर लेबर विच विल बी पेड 1.75 रुपीज पर आवर. अच्छा अब जरा ध्यान से सुनना, अब कहते हैं लेबर रेट अलग चाहिए, लेबर ज्यादा एफिशियंट चाहिए, उसके लिए हम 1.75 रुपीज पर आवर का वेजेस देते और टाइम इज रिड्यूस बाय 20%. सो लेबर आवर जो पहले लगते थे 20% कम हो गए, 60,000 का 20% 12,000 लेस करके बताओ 48,000. So, मेरी जो लेबर कॉस्ट आएगी 48,000 इंटू 1.75 मल्टीप्लाई करके बताओ, 84,000. कहता है अब बड़े ध्यान से सुनना भैया, उसने कहा आप ध्यान से सुनो, ओवरहेड का अंदाजा लगाते हैं बहुत तरीकों से, मशीन और से डिवाइड करके पर मशीन का निकाल लेते हैं, लेबर और से डिवाइड करके एक लेबर का निकाल सकते हैं. यहां उसने कहा लेबर कॉस्ट से चल रहे हैं, तो दिस डिवाइड बाय लेबर कॉस्ट करके निकाला, ये निकला. कहता है आने वाले सालों में मेरी लेबर जो 60,000 लगती थी, एफिशियंट लेबर चाहिए, 12,000 घट गई 48,000, लेकिन वेज रेट बढ़ गए. अब अगर मैंने ये लेबर चेंज कर लिए और रेट वही लगा दूं तो मेरा ओवरहेड सही नहीं लगेगा. अच्छा एक बार बताओ, ओवरहेड के बारे में इसने बताया बड़ा घटाया, कुछ नहीं बताया, तो इस साल ओवरहेड बढ़ेगा घटेगा या वही रहेगा? चिल्ला के बोलो, वही रहेगा ना. ओवरहेड नहीं बढ़ा नहीं घटा, लेबर के बारे में बताया बड़ा घटा क्या. सो मेरे दोस्तों, फैक्ट्री ओवरहेड अभी भी स्टिल वही रहेगा, तो इस साल से ओवरहेड रेट अलग लगना चाहिए. सो मेरा ओवरहेड रेट अब क्या लगना चाहिए, 75,600 रुपया 84,000 रुपये, ऐसा रेट निकल जाना चाहिए ना. कोई कैलकुलेट करके बताओ, नाइन्टी परसेंट ऑफ लेबर कॉस्ट. भाई मेरा खर्चा इस साल का इतना है, पिछले साल से पिछले साल का उतना है, इस साल का कुछ नहीं कहा, तो फैक्ट्री ओवरहेड मानू बढ़ेगा घटेगा ऐसे ही. आ गया मेरे भाई? ठीक है, ठीक है ना भाई? क्या सबको आ गया? अच्छा था, जल्दी से नोट करो. थर्टींथ क्वेश्चन ऑफ असाइनमेंट,
प्यारे दोस्तों, इसके अंदर कहा गया दो डिपार्टमेंट है। अच्छा, बहुत सारे खर्चे बटे हुए हैं, बहुत सारे नहीं बटे हुए। मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। अच्छा, पहला खर्चा बोलो क्या भैया। अभी मुझे नहीं पता ओवरहेड निकालना है क्या निकालना है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ओवरहेड में मशीन के ओवरहेड लेना है, डायरेक्ट मटेरियल नहीं लेते, पर बटा हुआ इस इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए लिख रहा हूं। तो कितना कितना था टोटल? 65,000। ए का बताओ, बी का, फिर दूसरा बताओ। डायरेक्ट लेबर भी ओवरहेड में शामिल नहीं होता, लेकिन लिख लिया। ए का बताओ, बी का बताओ, फिर क्या भैया? फैक्ट्री रेंट कितना था भैया? बांट के दिया है, टोटल दिया। किस बेसिस से बांटना चाहिए, किसी और या एरिया? तो मैंने लिख भी दिया, एरिया के बेसिस से बांट रहा हूँ। नीचे देखना एरिया की कोई लाइन होगी, एरिया की रेशियो है 10,000 10,000, तो इक्वल इक्वल बांट दिया। 7,500 7,500 मेरे भाई आया ही। फिर फैक्ट्री रेंट के बाद क्या है? सुपरविजन बटा हुआ दिया हुआ है दोस्तों। 6,000 टोटल खर्चा था, 2,500 इसका है, 3,500 इसका है। डेप्रिशिएशन ऑफ मशीन बांट के नहीं दिया, 5,000 खर्चा है। ये वैल्यू ऑफ मशीन पे बटना चाहिए, 4:1 ने बांट दू तो 4,000 और 1,000। फिर पावर कितना है? 4,000। नीचे हॉर्स पावर दे रखा है ना, हॉर्स पावर की रेशियो में बांट दो। और 470 आ गया। फिर आगे चलो, ऊपर वापस आ जाओ। पावर के बाद रिपेयर बांटू या बचा हुआ है? कितना था टोटल खर्चा? 2,000। 1600 ए का, 400 बी का। इनडायरेक्ट लेबर बांटू या बटा हुआ है? कितना टोटल खर्चा था? 4,000। 2,000 2,000। डायरेक्ट लेबर और वर्क, ये अब डिफरेंट चीजें आ रही हैं। मैं लिख लेता हूं, मैं यहां बाजू में लिख रहा हूं इसको। डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी में लेबर और कितने थे? हाँ आप बता रहे थे टोटल 80,000, जिसमें से ए के कितने थे? 30,000। बी के कितने थे? 50,000। खर्चा नहीं है, कॉस्ट शीट में नहीं डालूंगा। फिर मशीन आवर्स कितने कितने थे दोनों के? दोबारा बता दो। नहीं, 25,000 और 5,000। अगली लाइन पढ़ ली भाई आपने। फिर इसके बाद हॉर्स पावर में ले चुका, बुक वैल्यू मशीन ले चुका, एरिया में ले चुका। अब आगे चलता हूं। कहता है अगले साल, ये मेरी एक शीट बन रही है, ये मेरा वर्किंग नोट है, ये मैं बी शीट बना रहा हूं। अगले साल कहता है डिपार्टमेंट ए में, जरा ध्यान से देखना, नेक्स्ट ईयर डिपार्टमेंट ए का और डिपार्टमेंट बी का कुछ दे रखा है। कोई बैच बनाया, बैच नंबर 401, कोई माल बनाया, उसके अंदर देख के बताओ मटेरियल कितना कितना लग रहा है। 3200 टोटल लगा। ये मिसप्रिंट है, ए का जिसमें 2700 है और बी का 500 है। समझ में आ गए? हाँ। फिर आ जाओ लेबर का खर्चा बता दो, टोटल कितना है? 7500। ए का कितना है? 3000। बी का कितना है? भाई तू ध्यान से देखे, तेरे को ये चैप्टर समझा देगा ये टॉपिक, ये क्वेश्चन। मेरे दोस्तों, मेरे को लास्ट ईयर का सारा डाटा है। इस साल का मटेरियल और लेबर का खर्चा दिया, ओवरहेड नहीं दिया। ओवरहेड पिछले साल से निकाल कर मैं इसमें लोड करके अंदाजा लगा के वो निकाल के निकाल लूं तो मेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब मैं ओवरहेड बहुत तरीकों से निकाल सकता हूं। क्वेश्चन में आगे पढ़ो, डायरेक्ट लेबर और वर्क बाय बैच बी 401, 2,500 इन डिपार्टमेंट एंड 5,000 इन डिपार्टमेंट बी। देखना मैं इसी में लिख रहा हूं कितने कितने लेबर और यूज किए। कहता है इस साल लेबर और डिपार्टमेंट ए में कितने यूज किए? 2,500 बी में कितने किए? 5,000। फिर आगे चलो भैया, मशीन आवर, अब मशीन आवर दे दिया, मशीन आवर ए में देख के बताओ कितने किए और बी में। एलोकेट द ओवरहेड एंड कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट ऑफ बैच 401 व्हिच कंसिस्ट ऑफ 1000 यूनिट। अच्छा, ऊपर वाली लाइन और पढ़ो पैराग्राफ के ऊपर। The following are the information of April extract from the cost record of break and buy which specialize the manufacturing automobile spare parts. The parts are manufactured in department A. अरे department A का डाटा मुझे यहाँ पे पता चल गया, यहाँ पे manufacturing होती है
और डिपार्टमेंट बी का मुझे पता चल गया है असेंबली होती है। अच्छा बताओ जहां असेंबली होती है वहां मशीन काम करेगी या लेबर? तो डिपार्टमेंट बी का बेस है लेबर और डिपार्टमेंट ए का बेस है मशीन और। अब मेरे दोस्तों मेरे को ओवरहेड लेना है तो जरा ध्यान से देखना मेरा ओवरहेड कहां से कहां तक आएगा। ये सारा मेरा मशीन ए का ओवरहेड है, ये मेरा मशीन बी का ओवरहेड है। मेरे पिछले साल का मशीन ए का टोटल खर्चा कोई करके बता दो और मशीन बी का टोटल खर्चा करके बता दो। इक्कीस हजार एक सौ कैलकुलेटर में रखियो और बोलो जल्दी जल्दी बोलो। चौदह हजार आठ सौ कैलकुलेटर में रखियो भाई। बोर्ड पे आओ। डिपार्टमेंट ए में मशीन है तो मशीन और इंपॉर्टेंट है ना। ये खर्चा कितने मशीन आवर्स का होगा दोस्तों? मशीन आवर मेरे को दे रखे हो यहां पे दिए थे, मशीन आवर कितने? 25,000 डिवाइड करके बता दो एक घंटे का रेट कितना आया? ऑन मशीन आवर बेसिस निकालना ना भैया। कितना भाई? पॉइंट पर मशीन आवर। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या था? असेंबली थी, लेबर, तो लेबर आवर के बेसिस पे निकालूंगा। लेबर आवर देखना यहां पे, इसका मशीन आवर लिया तो इसका क्या ले रहा हूं? लेबर आवर कितने भैया? 50,000 बोलो भैया। ऑन लेबर और बेस। इसने मुझे कहा नहीं क्या ये तुम्हें समझ में आता है? एक का मशीन का और एक का लेबर के बेसिस पे। अब अंदाजा आ गया, मैं ओवरहेड निकाल के यहां पे जोड़ दूं। इसमें इसमें इसका डिपार्टमेंट ए का मशीन बेस था कितने घंटे थे? 1250 और प्री डिटरमाइंड डेट था 0.84, कोई मल्टीप्लाई करके बता दो। दस हजार तो बिल्कुल भी नहीं है बच्चे। 1250 इंटू 84 पैसे, 1050। इसका कितना था भैया? इसके लेबर और ले लू ना, 5,000 घंटे और पिछला का रेट था 30 पैसे। क्या टोटल कॉस्ट आ गई? फिनिश। कल कितने बजे क्लास है? बहन पूरा आ रहा है समझे? मेरे भाई बिल्कुल नहीं आ रहा समझे? इतनी छुट्टियां कर लिया, मैं भी सोच रहा हूं पता नहीं क्या कर रहा होगा। आज के क्वेश्चन करके आइए बच्चे। 21,130 ले बहन शिवानी। ले भाई कॉस्टिंग की बुक किसकी थी? कल कितने बजे क्लास है? बिजनेस में 5 बजे और अकाउंट्स की 8 बजे। नहीं आना आईपी वालों को अभी नहीं। एक बार कोर्स दिखा दिया मैंने अपने मोबाइल में।
डिपार्टमेंट बी के उस तरफ वाले मोहल्ले में? हाँ बोल। एवआईटी नहीं होगा ना, ओवरहेड कहाँ है, ये क्यों जोड़ रहा है? भाई आईपी वाले ध्यान से करना, तुम्हारा यही चैप्टर सबसे अच्छे वाला है। ठीक है बहन, मैथ्स का कल का भी आप कर रही हैं। कल कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू भैया। 600